नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीएलटी का अभी एग्जाम अब आ ही गया है और कुछ ही दिन रह गए हैं आपकी तैयारी को। दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि अभी कई छात्र छात्राएं ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या जिनका अभी तक सिलेबस थोड़ा बहुत रह भी गया है, या जिनको डर लग रहा है कि क्योंकि यूपीएलटी का जो पेपर है वो एक्चुअली पहली बार होने जा रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसमें कितनी तैयारी हमारी मतलब हमें पास करा सकती है या फिर कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए। दोस्तों, एक्चुअली है क्या, मैं आपको इसका एक छोटा सा आइडिया दूं। वैसे तो कट ऑफ हमें मतलब इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि कट ऑफ के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ अपना बेस्ट वहां पे दीजिए, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, कोई भी कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ज्यादा बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक एस्टिमेट अगर बताऊं तो दोस्तों, आप देखिए कि इसमें 30 नंबर की तो आपकी जीके जीएस है, जो आपका लगभग सभी के लिए ही है। बाकी 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड में आएंगे। दोस्तों, इसमें होगा क्या, अब आपका 2 घंटे का पेपर है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब एक तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, एक तो वहां पे ये हो सकता है कि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो टाइम का थोड़ा सा इशू आ जाए कि भाई आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां का टाइम में भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत आएगी 120 क्वेश्चन करने में, प्लस आपको 30 क्वेश्चन जीएस के भी करने हैं। अगर इसका हम एक अनुमान लगाएं, एक आइडिया लगाएं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, एक तो इसमें जब नेगेटिव मार्किंग है तो ये तो पक्का है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही रहेगी। अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूं तो मोटा मोटा आप हिसाब लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 150 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आप सारे तो नहीं करें, कुछ छोड़ेंगे भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो टुक्का मारना इसमें सही नहीं रहता। अगर आप 120 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन टोटल करके आ रहे हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन गलत चले गए, यानी 100 क्वेश्चन सही और 20 क्वेश्चन गलत, तो अपने आप उसमें लगभग 6 या 7 नंबर की तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आपका स्कोर क्या बनेगा, 94। तो यानी कि जो गलत करके आ रहे हैं उससे भी आपका नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर जो है और नीचे जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होगी। तो इसमें अगर मैं आपका कट ऑफ बोलूं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाएगी, हाई जाएगी आपकी कट ऑफ। अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो जहां तक मेरा आइडिया है कि अगर आप मतलब 95 से 105 मार्क्स भी लाते हैं, 95 नहीं तो 90 भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैंने 95 लिया है, अगर 95 आप लाते हो 105 तक, 95 से 105 के बीच, तब भी जहां तक एक आइडिया है कि आपका शायद हो जाए, मतलब 95 to 105 आपके कम से कम होने चाहिए इतने मार्क्स। अगर 150 में एक एवरेज ले रहा हूँ कि अगर 150 एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, तो 150 में से 90 से 95 से 105 नंबर के बीच आपका हो जाना चाहिए एक 150 के हिसाब से एवरेज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे तो अगर आपके 15 या 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी आपका शायद सिलेक्शन हो सकता है, मतलब कम से कम आप 100 क्वेश्चन भी सही करके आ जाए, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है प्लस नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई 120-130 कट ऑफ जाएगी, 140 जाएगी, क्योंकि 120 का तो मतलब ये हो गया कि आप 80% तो स्कोर ही कर रहे हो, 15-8-120, और वो भी आप नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो इतना हाई तो मैं नहीं सोच सकता। बाकी SC ST की थोड़ी और नीचे जा सकती है, 80 से 90 या 75 से 85 तक। तो इसमें कुछ एक आइडिया है, बाकी मैं आपको यही राय दूंगा कि आप कट ऑफ की इतनी चिंता मत कीजिए, बस आप कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, बस वही वाली चीज आप अपनाओ। लेकिन एक आइडिया देना था तो वो मैंने आपको दे दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा अनुमान थोड़ा सा सही लगता है या आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।